बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम और मेरे साथ आमिर मतीन साहब प्रोग्राम मुकाबिल में हमारे साथ मौजूद होंगे। तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ कोई गैर मुल्की साजिश हुई है या फिर नहीं हुई? ऑडियो लीक्स के मंजर आम पर आने के बाद साइफर का ये जो मामला है ये मजीद संगीन हो गया है। PDM इस साइफर के मामले को लेकर या PDM इतिहादियों के दरमियान क्या कोई खिचड़ी पक रही है? तहकीकत होंगी नहीं होंगी, इस पर किसका क्या स्टांस है? एक्सक्लूसिव डिटेल्स प्रोग्राम के पहले हिस्से में आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी तरफ हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा ने एक तवील मगर एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इमरान खान साहब के ऊपर शदीद तनकीद उन्होंने की, मगर इसके साथ ही उन्होंने अपनी लंदन रवानगी के बारे में भी आगाह कर दिया। यहां पर अहम सवाल यह है कि कितना मुमकिनात में यह चीज शामिल है कि जब मरियम साहबा लंदन से वापिस आएंगी तो उनके वालिद गिरामी मियाँ नवाज शरीफ साहब भी उनके हमराह होंगे, इसके ऊपर बात होगी। अगर हम पाकिस्तान की पूरी सियासत को सामने रखते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान की पूरी सियासत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट के मुकदमात पर ही मबनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरमीमी एक्ट के खिलाफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो एप्लीकेशन लेकर गई थी उस पर समात रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला किया गया। इसके मुजम्मरात क्या होंगे इस पर भी रोशन डालेंगे आमिर मतीन साहब। और फैसल वाउडा ताहयात ना अहली केस, इसके अंदर क्या फैसला मुमकिनात में शामिल है कि सामने आ सकता है, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, क्या कोई ऐसा फैसला भी आ सकता है जिससे मियां नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी के लिए तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी या ये कहा जा सकता है कि उनका रास्ता हमवार हो जाए? ये पूरा एजेंडा है जिसके ऊपर आज बड़ी तफसील के साथ बात होगी। मगर सबसे पहले आमिर साहब, ये PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इसके अंदर जो इत्तेहादी शामिल हैं क्या सोच रहे हैं वो साइफर के मामले को लेकर, इन्वेस्टिगेशंस को लेकर क्या होगा, क्या हो रहा है? मेरा ख्याल है वो तो उनका ख्याल था ख़ासतौर पे नून लीग का कि ये साइफर का हम हवा खड़ा करेंगे और ये शायद इससे क़यामत आ जाएगी, मगर फ़िलहाल क़यामत उनके अंदर आ चुकी है कि कैबिनेट में जब ये डिस्कस किया गया कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इसके केस भी किया जाए और ये बड़ा संगीन है क्योंकि इल्ज़ाम लगाया गया ये गद्दारी के ज़ुमरे में भी आएगा फलाना फलाना, पीपल्स पार्टी ने इस पर बहुत रिएक्ट किया, पीपल्स पार्टी ने इस पर एतराज़ किया। हम बड़े नाकिद रहते हैं कई चीज़ों में पीपल्स पार्टी के, पर पीपल्स पार्टी का बहरहाल एक जमहूरियत के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए इस तरह का एक माजी रहा हुआ है, तो उनके यहाँ बड़े लोग इस तरह के हैं जो कि ये जो गद्दारी के इल्ज़ाम पे ऊपर ख़ासतौर पर बीबी के मतलब भी गद्दारी के इल्ज़ाम लगते रहे और भी ये पीपल्स पार्टी पर रहता है, तो वो थोड़ा सा किसी पर भी गद्दारी का इल्ज़ाम लगाते वक्त थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं जो कि मुस्बत बात है। उनका ये ख्याल था पीपल्स पार्टी का, उनके कैबिनेट के में उनके जो मेंबर्स हैं उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें पहले के वजारत कानून से इसका ओपिनियन ले लें फिर इसकी तफ्तीश करवाएं। ये जो 12 रुकनी कमेटी बनी है और जो तफ्तीश करा रही है ये उसी पीपल्स पार्टी के एतराज़ात के ऊपर है कि आप ये पहले पता तो करें ये हुआ क्या मामला है, क्योंकि आपको पता है इमरान खान 2-3 दफ़ा ये कह चुके हैं कि जनाब ये डी क्लासीफाई हम पहले कर चुके हुए थे, फिर उसके बाद उनका ये भी बार बार कहना है कि इसकी मास्टर कॉपी वहाँ पे फॉरेन ऑफिस में मौजूद है और एम्बेसी में भी इसका रिकॉर्ड मौजूद है, बल्कि वो उल्टा इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो गायब हुई है इनसे पूछना चाहिए कि 6 माह से बैठे हुए हैं किधर गायब हुई है, तो ये इनके ऊपर केस बनता है। मगर PDM के अंदर ही लड़ाई नहीं है इस वक्त, जो है नून लीग के अंदर भी जो है एक आपस में बहुत ज़्यादा दो मुतहरक ग्रुप बन गए हैं और उनकी लड़ाई चल रही है, जिसका आपने आज थोड़ा सा शख्साना देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने फ्लड के ऊपर जो है आज जो उनको डैशबोर्ड दिखाया जा रहा था तो पब्लिकली उनको पता था कि इस वक्त जो है ये लाइव दिखाया जा रहा है, उन्होंने उसमें बेइज्जती की हसन इकबाल की। हसन इकबाल बहरहाल बड़े सीनियर लीडर हैं और उन्होंने कहा खुद ही मतलब उन पर पहले ही ऑफकोर्स जो है ये इल्ज़ाम है कि एक साल मतलब एक महीना साल सैलाब को हो गया है और करोड़ों लोग बेघर हो चुके हैं, हज़ारों लोग मर चुके हुए हैं और इतने हैं, पर इन्होंने अभी तक कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया, अभी तक कोई सिस्टम नहीं बनाया। आपको क्रेडिट देना पड़ता है कि NCOC के ज़रिए जो है उन्होंने कोविड PTI गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा हैंडल किया था, ये उससे भी बड़ा सानिया है मैं समझता हूँ हमारी नस्ल का सबसे बड़ा सानिया है, मगर इन्होंने कुछ नहीं किया और जब किया है डैशबोर्ड तो खुद प्राइम मिनिस्टर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये क्या आपने फजूल सी चीज़ बना दी है इसके अंदर कुछ है ही नहीं है और पब्लिकली कहा है। अब पता नहीं उन्होंने उनको एक्सपायर ऑफ द मोमेंट कई बड़े कई दफ़ा मर्क्यूरियल आदमी है मर्करी लेवल उनका एकदम ऊपर चला जाता है, पर उन्होंने एहसास नहीं किया कि साथ में एहसन इकबाल बैठे हैं और वो तारीफ़ चाह रहे थे कि हमारी भी तारीफ़ हो और वो भी तारीफ़ की जाए, तो वो एक वो चल रही है।
फिर जो है डार साहब ने मिफ्ता इस्माइल साहब के मतलब जो कहे हैं और बड़े बड़ा गुस्से में ये बातें की हैं, पहले मिफ्ता बेचारे के से सारे मुश्किल फैसले भी करवा लिए और जो बेनिफिट था जानबूझ के पेट्रोल की कीमत जो है जिस तरह असद उमर कल फरमा रहे थे पहले ही नीचे जा चुकी थी। इंतज़ार किया गया कि इसमें मिफ्ता को विलन बनाना है और डार साहब को हीरो बनाना है, फिर जो पहले भी ये हाथ डाला जा सकता था बैंक्स पे और डॉलर की कीमत लाई जा सकती थी, मगर वो नहीं की गई थी क्योंकि वो उन्होंने क्रेडिट जो है ना डार साहब को दिलाना, कोई बुरी बात नहीं है डार साहब को क्रेडिट दिलवाते मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मिफ्ता। मिफ्ता के साथ वाकई बड़ी ज्यादती की गई है और उसकी वजह से भी एक ग्रुप है जो कि पसंद नहीं कर रहा कि डार साहब के इकोनॉमिक्स से भी वो खुश नहीं है और डार साहब के आने से भी खुश नहीं है और मिफ्ता की इस तरीके से बेइज्जत करके निकालने में भी खुश नहीं है। आप शायद खाकान अब्बासी को भी उस ग्रुप में कह सकते हैं। तो ये इंटरनल जो हैं ये मामलात उनके चल रहे हैं, प्लस जो एक और बहुत बड़ा मसला नून लीग के अंदर चल रहा है मरियम बुब्बी क्योंकि अभी उस केस से एक से वो बरी हो चुकी हैं तो अब वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स कर सकती हैं, मगर उसके अंदर बड़े सवाल हैं। एक ये है कि नेशनल असम्बली के लिए अगर उन्होंने इलेक्शन लड़के कहीं आना है प्रोविंशियल की तो जाहिर है वो मेंबर नहीं, मतलब उसमें उनका नेशनल स्केल बन गया है और कैंडिडेट है वो प्राइम मिनिस्टरशिप की, तो अभी उनका कॉन्फिडेंस जो नून लीग का था ना उनके पास ऐसी कई सीटें थीं जो कि लाड़काना की तरह बहुत पक्की थी, लाहौर की 3-4 सीटें थी कि वहाँ वो खंबा भी खड़ा करते तो जीत सकते थे। सही। अभी ये एक रिस्क है कि कहाँ से उनको लड़वाया जाए और अगर वो हार गई तो ये फिर उनका करियर भी ख़त्म और नून लीग की भी पॉलिटिक्स ख़त्म और सेनेटर से सेनेट में लाने से वो भी रिलक्टेंट हैं क्योंकि पंजाब से तो ला नहीं सकते हैं, पंजाब में उनकी गवर्नमेंट नहीं है, अगर किसी को बिठाएंगे भी तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो पीटीए के पास सीट चली जाएगी। सिंध से मांगते हैं उनसे अगर सिंध पीपल्स पार्टी से वो भी बुरा लगता है, फिर सेनेट में वो फ़र्ज़ भी पूरा नहीं होता। तीसरा ये है कि वो शहबाज शरीफ साहब को इतने खुश नहीं होंगे बीबी के पार्लियामेंट में आने से। अच्छा। और अगर किसी स्टेज पे ये डिसाइड किया गया कि जिस तरह डार साहब को लाया गया है शहबाज शरीफ साहब को भी पॉसिबिलिटी फिर हो सकती है कि जनाब वो भी तो फेल हुए हैं ना, सिर्फ डार साहब तो नहीं है कि सारा आप कहें कि मिफ्ता का कसूर था, प्राइम मिनिस्टर के फैसले थे अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर। तो अगर मिफ्ता फेल हुए हैं तो शहबाज शरीफ साहब भी फेल हुए हैं, तो कल को ये आर्ग्यूमेंट करके मिफ्ता को भी मरियम बीबी को भी लाया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये उनके यहाँ पीडीएम में और नून लीग के अंदर इस वक्त काफ़ी खल्फशार है। ठीक है, लेकिन आमिर साहब आपको वाकई लगता है किसी भी सतह के शहबाज शरीफ साहब का मुतबादल मरियम नवाज साहिबा हो सकती हैं? भाई एक बात तो माननी पड़ती है कि इस वक्त जो नून लीग के अंदर सबसे पॉपुलर शख्सियत जो है वो मरियम है। मैं समझता हूँ कि वो शहबाज शरीफ तो बिल्कुल ही फेल हो गए, उनका जो इमेज था कि डूअर हैं और वो बड़े एडमिनिस्ट्रेटर बड़े अच्छे हैं, मेहनत बड़ी करते हैं, इकोनॉमी की जो 6 माह में हालत हो गई है और जो गवर्नेंस है वो सारी उनकी मिथ तोड़ टूट गई है, पता नहीं तोड़ी गई है जान के वो किया गया, पंजाब में चीज़ें छुप जाती थी, वो एक इमेज बनाया गया था, यहाँ के वो बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं। मेरा तो यहाँ तक ख्याल है कि मरियम बीबी नवाज शरीफ से भी ज़्यादा नून लीग के अंदर अब अहम है, उनका एक जो करिश्मा है। नवाज शरीफ साहब जब आपको याद होगा निकले निकाले गए थे तो यहाँ से वो एयरपोर्ट जाते तक वो 1000 बंदे भी नहीं इकट्ठे कर सके थे, तो वो ये भी मिथ है कि वो आएंगे तो पता नहीं क्या कमाल कर देंगे। वो कल असद उमर साहब जो कह रहे थे या इमरान खान जो ये कह रहे हैं कि उनका हवा एक दफ़ा तोड़ ही दें तो अच्छा आ जाएँ, मगर उनके आने में अभी ये जो समझा जा रहा है कि जी वो ऐसे ही आ जाएंगे ये आसान काम नहीं है। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं एक्सप्लेन कर दूं इस चीज़ को कि आजकल नज़र रखने की ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ दो बड़े ही इम्पॉर्टेंट केसेस चल रहे हैं और वो डे टू डे बेसिस पे सुने जा रहे हैं। एक वाडा साहब का केस है वो बाद में बात करेंगे, एक जो केस चल रहा है ना नैब की तरामीम पे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो उस केस की वजह से आप समझ लें कि 90% जो केसेस हैं नैब के वो तकरीबन उड़ जाते हैं। और ये उनकी जो पिटीशन है ख्वाजा आरिफ साहब ने जो पेश किया है, तो एक तो ख्वाजा आरिफ साहब का वकील होना भी एक मज़े की बात है कि वो पहले मरियम के वकील थे और अब वो इमरान खान के पिटीशनर बन चुके हैं जी जी। तो उसमें जो उन्होंने ग्राउंड्स बताई हैं कि वो उसमें सारे बेनिफिशरी अगर वो तरमीम को सुप्रीम कोर्ट नहीं उड़ाती
तो नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े बेनिफिशरी उसके होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो बारे सबूत है वो नैब पे चला जाता है कि नैब साबित करेगी। उसके बाद उसके अंदर एसेट की डेफिनेशन चेंज कर दी गई है, उसके बाद उसके अंदर जो है ये भी एक तब्दीली कर दी गई है कि जो जो नवाज शरीफ साहब को डायरेक्टली डील करती है कि जो बैरूनी दस्तावेजात आएंगी उसकी वो वैलिडिटी नहीं रहेगी। तो इमरान खान उनके केस के अंदर तो सारा कुछ ही वो कतरी लेटर और तमाम चीज़ें जो आई हुई हैं एफिडेविट्स वगैरह वो बाहर से आई हैं। उसके बाद फिर नैब के पास मशरूत कर दिया गया वारंट की गिरफ्तारी का, फिर बेनामीदार और सासों की तारीफ भी बदल दी गई है, सासे की तारीफ तो बदली गई है, फिर और भी उसके अंदर इस तरह आ गए हैं। तो बेनिफिशरी जो है उसके अंदर आप देखें नवाज शरीफ साहब आ गए, शहबाज शरीफ साहब आ गए, उसके बाद परवेज़ अशरफ साहब और यूसुफ ज़रा गिलानी, दो वज़ीर आज़म जो हैं वो भी उसमें आते हैं, मांडवी वाला बचते हैं, हमज़ा बचते हैं, सारी लीडरशिप पीडीएम की उसके अंदर बचती है। तो सुप्रीम कोर्ट में उसमें बड़ा गौर से देखने की ज़रूरत है, और सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें अगर वो नहीं इस तरामीम को नहीं उड़ाता तो फिर उनके आने की फिर ये हो सकता है कि उनकी बेल शेल हो जाए। अगर वो तरामीम को पार्शली या फुली उड़ा देते हैं फिर मेरा नहीं ख्याल है इमरान खान जो है नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। उसकी वजह ये है कि लोग मुआवजना कर रहे हैं डार के केस से, डार साहब के जी डार साहब आए तो बेल ले ली और वो वज़ीर ख़जाना बन गए। इनका केस इसलिए मुख्तलिफ है, पहली तो बात यह कि डार साहब मुलज़िम थे, ये मुजरिम है, ये कन्विक्शन की हो चुकी हुई है। दूसरा उनका एहतसाब अदालत थी, इनका केस जो है ये हाई कोर्ट के मफरूर हैं ये, और हाई कोर्ट में ये एफिडेविट्स दे के गए हुए हैं, हल्फिया हैं, वह हेल्थ रिपोर्ट्स हैं, जब ये पेश होंगे सीधा जेल तो जेल में जाएंगे, और इस्लामाबाद में जेल नहीं है याद रहे कि ये पंजाब के अंदर जेल है, जब तक अगर परवेज़ इलाही की वहाँ पर पंजाब में गवर्नमेंट है तो इनको वहाँ पे वो सहूलतें नहीं मिलेंगी। इनके लिए उनकी जो सेहत की हालत बताई जाती है या उनकी जज्बाती हालत बताई जा सकती है वो एक दिन के लिए भी जेल काटने को तैयार नहीं है, और इम्कान इस बात का है कि उनको हफ्तों और महीनों शायद जेल में काटना पड़ जाए, क्योंकि ये प्रोसीजर जो हाई कोर्ट का होगा कि वो शहबाज शरीफ का वो भी बुलाएंगे कि जनाब आपने अल्फिया नामा दिया था, फिर वो हेल्थ वालों को भी बुलाएंगे कि जनाब ये रिपोर्ट किसने लिखी थी, वो हर चीज़ इन राइटिंग ली हुई है। तो अगर वो नहीं आते तो वो इस बात का इम्कान है कि महीनों और सालों जो है वो जेल में रह सकते हैं, वो ये चांस नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे। तो हाँ ये अगर केस तरामीम को अगर वो सुप्रीम कोर्ट को भी ये देखना है कि इतना क्लियरली बिल्कुल इसमें जिसे कहते हैं ना फ्लेग्रेंटली जो है वो अपने लिए एक हुकूमती पार्टी के चंद अफराद ने जिसके वो बेनिफिशरी हैं वो तरामीम की हैं, तो ये आसान काम नहीं है, इसको ज़रा गौर से देखने की ज़रूरत है कि ये आगे जाके केस किधर जाता है। सही, ठीक है, लेकिन आमिर साहब तासुर इस तरह से आ रहा है अदलिया के मौजूदा अदलिया के फैसले सर आंखों पर खुश दिली से उन्हें कबूल किया जाता है, मगर तासुर ऐसा आ रहा है कि जिस तरह से बात की जा रही थी, अभी आपने फैसल वाड़ा केस की बात की, आगे चल के इसकी डिटेल बात करेंगे, उनका केस मियां नवाशी साहब के साथ लिंक हो रहा है, फिर इसहाक डार साहब की वापसी के हवाले से जब बात सामने आई तो कहा गया कि जी पाकिस्तान आएंगे अपने केसेस को फेस करेंगे, मरियम साहबा को रिलीफ मिलने का दूर दूर तक इम्कान नहीं था, फिर अचानक से यह खबर आई कि मरियम साहबा को भी रिलीफ मिल गया, अब वो लंदन रवानगी के हवाले से भी इसके ऊपर बात करेंगे, तो ऐसा नजर आ रहा है कि सब रिलीफ चल रहा है, सब खुश हैं, और जो आपने बात की कि अदलिया के फैसलों के साथ ये पूरी सियासत चल रही है तो बज़ाहिर हमें नज़र भी सब कुछ ऐसा ही आ रहा है। नहीं, अभी अदलिया के फैसले पे नहीं चल रहे, अभी इनके दो बड़े इन्होंने जो काम किए हैं, एक इन्होंने कानून में तब्दीली की है, अदलिया बेचारी का क्या कसूर है, जब कानून ही आपने बदल दिया है तो वो जाते हैं, वो कहते हैं जनाब जो नया कानून आया है तरामीम आई हैं उसके बाद आपकी जुरिसडिक्शन नहीं, जुरिसडिक्शन बदल दी ना। दूसरा नायब चीफ अपना ऑफकोर्स लेके आ गए हैं, बिल्कुल घर का आदमी है, वो पहले साल वाले थे वो तो एक और जगह से टेलीफोन लेते थे, ये तो डायरेक्टली इनका अपना वो सिलसिला है तो वहाँ से हुआ है। मगर मैं ये बता दूँ, आज आपने गौर किया होगा मरियम बीबी बड़े गुस्से में थी, दो चीज़ें, एक तो ये कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि मरियम बीबी भी लंदन जा रही हैं, परवेज़ इलाही भी लंदन जा रहे हैं, तो मैं ये आपको पहले भी इतला दे चुका हूँ कि एक बहुत अहम शख्सियत जिनके पहले भी वो चीफ साहब की अपॉइंटमेंट में उनका बड़ा
कलीदी किरदार था वो पहले ही लंदन में हैं, तो ये सारे लंदन में क्यों जा रहे हैं? मेरी शनीद है कि अच्छा। परवेज लाई का पहले बता दूं कि आपने गौर किया होगा कि उनके साहबजादे ने कल एक हिंट दिया था कि जी चीफ साहब के मतलब ना इस तरह लीडरशिप को बयान नहीं देना चाहिए हमारी पार्टी की लीडर को भी नहीं, समथिंग लाइक दैट के जी वो, तो उन्होंने थोड़ा सा पीटीआई के स्टांस से अपने आप को डिस्टेंस किया है, तो कोई पता नहीं वो भी अपना जोर लगा रहे हों वहाँ जाके के एक्सटेंशन के हवाले से कुछ कर रहे हों, लॉबिंग वहाँ ऑलरेडी बड़ी हो रही है, और जो उसके लिए फिर ये भी है कि उसके मुजबरात पंजाब की गवर्नमेंट में भी होंगे अगर परवेज लाई जो है ये जितनी मर्जी कस्में वादे तोड़े, पहले भी इन्होंने जो है बाकायदा ये वादा करके और वो हल्फिया ये मतलब हल्फिया कोई ये अदालत वाला हल्फिया नहीं था, ये मजहबी हल्फिया था कि हलफ लिया गया था, कस्में खाई गई थी वो तोड़ दी, तो वो उनसे कोई बईद नहीं है कि नज़र आए कि 9 आदमी जो है शुजात साहब की तरफ जा रहे हैं, उनको पार्टी लीडर के तौर पर चेंज किया जा रहा है तो वो भी बदल सकते हैं, मगर ये इतना आसान नहीं है। मैं क्विकली आपको बता दूँ कि मरियम बीबी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने गौर किया होगा, वो बड़ी गुस्से में थी, वैसे वो जनरली गुस्से में होती हैं, मगर उन्होंने बड़ी तनकीद की और उसके बाद जो डायरेक्टली तनकीद की उन्होंने कहा ये जनूबी पंजाब के एक लाडले हैं, इशारा दिया उसका, उसकी वजह से दराड़ आ गई है, उसकी वजह से वो उनको शक पड़ गया है नवाज शरीफ के कैंप को कि ये हमारे साथ पूरे नहीं हैं। बस मैं ये कह दूँ कि ये जो उन्होंने हमला आज किया ना जनूबी पंजाब में जी, ये चेक कर लें कि जब चीफ साहब वहाँ गए थे उनकी गाड़ी कौन चला रहा था, मैं रिपीट कर दूं कि उनकी गाड़ी कौन चला रहा था, ये बात नोटिस में आई है, उस बात से एंटनाज जो है ना दोबारा अलर्ट हुए हैं, खड़े हुए हैं, और उस बात से जाहिर है ये सारे मामलात जो हैं ये फ़ोनों से पे आजकल फ़ोन पे बात हो नहीं सकती, ये जो फ़ोन लीक्स होती हैं तो कोई भी मोबाइल फ़ोन ही नहीं रखता, वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब तो इतने पैनिकी हो गए हैं कि वो उनके करीब भी कोई फ़ोन वाला आता तो वो भिड़क जाते हैं, तो ये उसके बाद आजकल फ़ोन पे लोगों ने बात और सियासतदानों ने तो बात करनी छोड़ दी है, तो ये बिल्कुल वहाँ जाके फेस टू फेस बातें होंगी, ये सारे मामलात हैं वहाँ पे डिसाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कितना अगर आप कहें तो मैं वाडा साहब का आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मगर आप सवाल ज़रा फ्रेम कर लें अच्छा सा पहले। चलिए फैसल वाडा साहब के हवाले से आमिर साहब बात कर लेते हैं, माजरत आमिर साहब, एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, जो फैसल वाडा केस के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स हैं उस कानून को लेकर जो रिमार्क्स हैं उस पर आमिर मतीन साहब का तजिया लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले फैसल वाडा ताहियात नाहली केस के हवाले से मेरी और आमिर साहब के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, इसमें अब ये देखना है आमिर साहब कि अगर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस चला गया है, पहले इलेक्शन कमीशन का फैसला ताहियात नाहली पर, फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इसको बरकरार रखा, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि केस को मुहतात होकर सुनेंगे, बज़ाहिर आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है कि ये केस किस तरफ जाएगा? मगर मैं इसके साथ साथ हमारे साथ माहिर कानून शाह खावर साहब भी मौजूद हैं, उन्हें भी प्रोग्राम में वेलकम करूंगी। जी आमिर साहब। जी जी, मैं बिल्कुल शाह खावर साहब से ही सवाल कर दूँ। सर मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, मैं आपके सामने तो ये सूरज के आगे चिराग दिखाने वाली बात है, ये वाडा साहब का केस वो जो कह रहे हैं कि मुहतात होकर सुनेंगे, तो मैंने उसकी तशरीह ये की है कि वो ये कह रहे हैं कि एक तासुर बन गया था कि जो 52(1)(f) की एक 62(1)(f) की जो ये एक ये के जो ताहियात नाहली है वो भी शायद इस फैसले के ज़रिए ख़त्म की जा सके, तो जब सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई है कि हम मुहतात होकर सुनेंगे, और शायद जस्टिस चीफ जस्टिस साहब ने ये कोई ऑब्जर्वेशन भी दी है कि उसका इससे ताल्लुक नहीं है, ये जो केस है सिर्फ ये है क्या इलेक्शन कमीशन के पास ताहियात नाअहली का इख्तियार था कि नहीं, 62(1)(f) सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ इख्तियार है और उनका नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास जो है आर्टिकल 62(1)(f) को इन्वोक करने का तो वाकई कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन कुछ सूरतों में ऐसे होता है कि जब कोई स्पीकर नेशनल असेंबली या चेयरमैन सेनेट की तरफ से कोई रेफरेंस आ जाए वो भी आर्टिकल 63(2)(3) के तहत, तो उसके तहत तो उनके पास इख्तियार है उसी मुद्दत के लिए उनको नाहल करने का,
लेकिन जहां तक आर्टिकल 62(1)(f) के मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं कि उसका ये काला कानून है और उसके बारे में हम जो है वो सोच सकते हैं, तो ये तो मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव बात है। उसकी वजह ये है कि आर्टिकल 62(1)(f) में जो सादिक और अमीन का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ था पहली दफा, वो जनरल जियाउल्लाह ने इंसर्ट किया था, ये आर्टिकल 62 में पहले नहीं था। और उसके बाद जब आठवीं तरमीम हुई उसके बाद ये चला आ रहा है, और बल्कि जब ये 18वीं तरमीम भी पास हो रही थी तो उस वक्त भी रजा रबानी साहब ने ये तजवीज पेश की थी, लेकिन उस वक्त PMLN ने इसकी सबसे बड़ी मुखालफत की थी कि इसको रहना चाहिए। तो अब दूसरी बात ये है कि आर्टिकल 62(1)(f) कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि किसी को अगर कोई कोर्ट ऑफ लॉ डिक्लेयर कर दे कि वो सादिक और अमीन नहीं रहा तो वो सारी जिंदगी के लिए, उम्र भर के लिए वो मेंबर पार्लियामेंट बनने का अहल नहीं होगा, तो ये कहीं पे भी नहीं लिखा होगा। ये बात भी जो थी इसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ केसेस में की थी, तो ये कहीं पे भी कोडिफाइड नहीं है। हालांकि आपने देखा है कि आर्टिकल 63 में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो किसी को अगर सजा हो जाए या किसी वजह से किसी सिविल सर्वेंट को नौकरी से निकाला हो या प्रोसीड किया हो, तो उसके 3 साल गुजरने के बाद या सजा काटने के 5 साल के बाद कोई शख्स अहल हो सकता है, चाहे उसने कोई भी जुर्म किया हो। तो इसमें मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को यकीनन इसके ऊपर जो है वो रिव्यू करना चाहिए, उसको जजमेंट्स को रिविजिट करना चाहिए, उससे चाहे जिसको भी फायदा पहुंचता है इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है कि जिन अगर वो 3 रुकनी बेंच ने ऐसा फैसला किया है जिसमें आर्टिकल 62(1)(f) के तहत परमानेंट नाहली है, तो फिर उसको एक लार्जर बेंच बनाकर उसको रिविजिट किया जा सकता है, उसको रिव्यू किया जा सकता है। ये मैं एग्जैक्टली खबर साहब यही कहना चाह रहा था कि ये वो लार्जर बेंच में होगा, इस केस के अंदर जो है 2-3 प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एक तो उन्होंने ये वाली ऑब्जर्वेशन भी है कि वो काला कानून है और हम और आप सारे ही एग्री करते हैं कि इसको शायद रिविजिट होना चाहिए, और बेताशा एक बड़ा तबका वकला का और पुराने जजेस का है जो कि कहता है कि ये रिविजिट होना चाहिए। मगर फ़िलहाल उसके मजमरात ये हैं कि ये देखा जा रहा है, ये तासुर बन गया है कि अगर ये नाअहली इस केस में तैयार ख़त्म होती है तो उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी नवाज शरीफ साहब होंगे, कि ये उनकी जो नाअहली ऑटोमेटिकली फिर ये ख़त्म हो जाती है। दूसरा एक एतराज़ ये आ जाता है कि जिस तरह आपने कहा कि ये उसके लिए लार्जर बेंच होगा, ये नहीं सुना जा सकता। तीसरा ये कि ये एतराज़ भी आता है, मतलब आपकी भी बिल्कुल बड़ी अच्छी राय है, आप भी बेहतर समझते हैं, मुझसे तो ज़ाहिर है बेहतर समझते हैं, मगर एतराज़ एहसन जैसे वकला का ये ख्याल है कि चाहे पार्लियामेंट भेज भी दे मगर ये ट्रिब्यूनल नहीं है, ये अदालत नहीं है इलेक्शन कमीशन, और ये जो इख्तियार है नाअहली का ये इनके पास चाहे या तो छोड़ें दूसरी भी, क्योंकि इसके अंदर ट्रायल रिक्वायर्ड है, जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं जिसकी बुनियाद पर उनको निकाला जा रहा है उसके लिए शहादतें चाहिए, उसके लिए ट्रायल चाहिए, तो इनकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। पहले मुझे ज़रा आप उस पर बता दें नवाज शरीफ साहब के मजमरात के, उनकी नाअहली फिर जाती है अगर ये सूनर लेटर का भी फैसला आता है। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये आज की बात नहीं है, ये तो जब से ये फैसला आया था तालबन 2008-09 में या 10 में, जिसमें ताउमर नाअहली का जो इंटरप्रिटेशन की थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद भी कुछ पिटिशन ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, रिव्यू पिटिशन पड़ी हुई हैं, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने कहा था कि इसको बाद में लार्जर बेंच बनाकर इसको सुना जा सकता है। तो अब अगर ये फैसला हो जाए और आर्टिकल 62 वाली जो ताउमर नाअहली की जो अगर खत्म हो जाए, तो मैं नहीं समझता कि उसने इररिस्पेक्टिव कि किसको फायदा पहुंचता है या नहीं पहुंचता, ठीक है कि नवाज शरीफ साहब को इसका फायदा पहुंच सकता है, लेकिन इसका फायदा मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा लोगों को पहुंचेगा, और ये है भी एक इररेशनल किस्म की, ये मैं समझता हूँ कि कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी ने छोटी सी भी गलत बयानी कर दी और बाद में उसे वो ताइब भी हो गया, उस पर अगर उसको रिपेंटेंस भी है, तो फिर भी वो सारी उम्र जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। तो ये मैं समझता हूँ कि जिसको फायदा हो या ना हो इसको नहीं देखना चाहिए, एक स्पिरिट ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको बहाल होना चाहिए। सही है। शाह खबर साहब मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ सर, मुझे एक मिनट जरा कीजिएगा सरबत, एक मिनट प्लीज अलाउ कीजिएगा मुझे जी। वो सर, वो आप बतौर वकील के और एक जुरिस्प्रूडेंस के प्रोफेसर के तौर पे
ये आपके लिए बड़ा आसान है ये कह देना कि इररिस्पेक्टेड ऑफ द लॉ जिसको भी फ़ायदा हो करेक्शन होनी चाहिए, मगर जो सियासत में लोग हैं उनके लिए तो ये भौंचाल आ जाएगा कि एक तरफ लुटियाँ पड़ रही होंगी कि जी इमरान जो नवाज शरीफ इज़ बैक इन द गेम और वो खुद पार्टी के चीफ भी बन सकेंगे, लीड कर रहे होंगे, और दूसरी तरफ जो है ना वो शामिल गरीबा शुरू हो जाएगी। बाहर आ जाए नवाज शरीफ साहब के आने से एक बहुत ज़्यादा एक तो फ़र्क पड़ेगा, तो ये एक बात। दूसरी कि वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इसको रिविज़िट किया जा सकता है, मगर कई दफ़ा मूड होता है तो सुप्रीम कोर्ट कर लेती है, मगर कई दफ़ा इस केस में ये भी उन्होंने कहा है कि हम मोहतात होकर देख रहे हैं कि ये केस सिर्फ इस बारे में है कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार था कि नहीं था, तो ये कितना इम्कान देख रहे हैं आपका कि वो लार्जर बेंच बना देंगे और उस फैसले को भी रिविज़िट करने जाएंगे। अच्छा आमिर साहब, शाखावर साहब की लाइन हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गई है, इसी चीज़ को लेकर चलते हैं। मैं वही सवाल जो शाखावर साहब से करना चाह रही थी, एक तासुर ये भी आमिर साहब दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की नाहली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जरिए हुई, वावड़ा साहब की नाहली इलेक्शन कमीशन के थ्रू हुई, ये भी शायद कोई फ़र्क पैदा कर सकता है। और वैसे भी चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि हम ताहियात नाहली को ख़त्म भी कर दें तो हकायक तो दुरुस्त रहेंगे। अब ये देखना है कि ऑप्शंस क्या हैं लीगली। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का जो ये कहना है ना उसका मतलब ये है कि पहले ये इलेक्शन कमीशन ने ताहियात नाहली की, उसके बाद ये केस हाई कोर्ट में गया, तो वो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ इलेक्शन कमीशन के ऊपर अपना तबसरा करेंगे कि उनका इख्तियार था या नहीं था, पर जो हाई कोर्ट के ऊपर जो उन्होंने अपना ट्रायल किया हुआ है उसके फैक्ट्स जो हैं वो इससे अलहदा हैं, वो सिर्फ ये इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर वो उसको बहस का हिस्सा नहीं इसके अंदर बना रहे कि आया हाई कोर्ट ने ठीक किया या गलत किया, ज़्यादा फोकस इस बात पर है। मगर इसके अंदर दो तीन जो पहलू हैं वो ज़ाहिर है वो वकील हैं और बेताशा लोग इस फैसले के मतलब एक तबका है जो समझता है कि क्योंकि ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है आइन के अंदर, और ये बिल्कुल ठीक है कि ज़ियाउलहक के ज़माने में ये सादिक और अमीन वो किया है, और ये भी आर्गुमेंट लिया जाता है कि सादिक और अमीन का फ़ैसला जो है सिर्फ खुदा कर सकता है, ये कानून के ज़रिए इंसानों के हाथ पर नहीं आना चाहिए, वो बिल्कुल आर्गुमेंट्स हैं। मगर चूँकि इसका एक अब सियासी बहुत बड़ा एक इशू है कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद पाकिस्तान की एक सियासत बदल गई है, नून लीग की सियासत बदल गई है, पीटीआई की सियासत बदल गई है, तो ये अगर आए तो ये इससे बहुत ज़्यादा सियासत बदली जा सकती है। एक दूसरा ये है इसका कि कई दफ़ा अदालतें उसी उस पर फोकस रहती हैं, उनकी जो दोनों किस्म की मैं गौर कर रहा था, ऑब्जर्वेशन आई हैं। एक तरफ उन्होंने ये भी कहा वो काला कानून है, मगर साथ में ये भी कहा कि हम इस फैसले में इस केस में बड़े स्पेसिफिक होना चाहते हैं, नॉट इन सो मैनी वर्ड्स, के मोहतात हैं। मैंने उसकी तशरीह ये की है कि वो ये कह रहे हैं कि इस पर ही करेंगे, मगर उसके लिए ज़रूरत होगी क्योंकि वो ये छोटा बेंच है, उसके लिए वो बड़े बेंच का फैसला था तो वो उतना बड़ा बेंच बनाना पड़ेगा, और कई दफ़ा अदालतें करती हैं ये कि साकिब निसार साहब तो बहुत करते थे कि लेफ्ट का एक केस होता था तो वो एक राइट पे जाके या बीच में से ऐसे ही एफआईए को ले आते थे कि आप इंक्वायरी बनाएं। चीनी के केस में भी गालबन इस तरह ही हुआ था कि केस किस तरह और जा रहा था, उन्होंने कहा जी आप ये ज़रा रिपोर्ट तो निकाल के लाएँ कि चीनी की कि इंक्वायरी दे दी गई थी। तो ये इस तरह के ये कई दफ़ा अदालतें करती हैं, कई दफ़ा नहीं करती हैं, मगर ऐसा करती हैं तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग होगा। मैं लास्टली कह दूँ एक बात, एक और इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि ये जो ख़तरा मूल लिया जा रहा है ये गौर करने की बात है, कौन ले रहा है? सही, ये फैसल वाडा साहब ले रहे हैं। फैसल वाडा साहब कौन हैं? फैसल वाडा साहब जो हैं पीटीआई के फॉर्मर सेनेटर हैं और फॉर्मर एमएनए हैं, रुकन हैं, और पीटीआई पिटीशन में गई हुई है कि उनको ज़ाती फ़ायदा तो हो जाता है, पार्टी का सत्यानाश हो सकता है अगर इस तरह का अदालत इस तरफ चल पड़ती है कि परमानेंट नाअहली का फैसला करें की तरफ चलें और उसको रद्द भी कर दें, उसको रिविज़िट करके चेंज कर दें। हाँ। तो सारी एक शख्स की एक बेनिफिट की एक पिटीशन की वजह से कि उनको ज़ाती फ़ायदा हो रहा है, पूरी पार्टी का जो इज्तमाही फ़ायदा वो सत्यानाश उसका हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल है इमरान खान साहब से कोई इस बात का भी अंदाज़ा है, और मुझे लगता है कि कुछ जिनको अंदाज़ा है, आपने गौर किया होगा हमारे दोस्त हैं
खुल के बात करते हैं, दिलेरी से बात करते हैं फैसल वाडा साहब, मगर अभी बहुत ज़्यादा दिलेरी से ज़्यादा जहरीली गुफ्तगू कर रहे हैं, वो अटैक कर रहे हैं डायरेक्टली नाम ले ले के जो मिसगाइड कर रहे हैं इमरान खान को। वो तबका उनमें से एक दो का मुझे पता है, मुझे हाल ही में जो इमरान खान से मुलाकात हुई है कि उनको उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है कि जनाब ये फैसल वाडा साहब अपनी करियर के लिए नाअहली के लिए करने जा रहे हैं, ये पार्टी को जो है मरवा देंगे अगर ये जिस तरफ लेके जा रहे हैं, इनको वापस लेनी चाहिए थी। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है कि अगर फैसल वाडा साहब की पॉलिटिक्स चली जाएगी तो इमरान खान की पॉलिटिक्स से या पीटीआई की पॉलिटिक्स से तो वो बड़े नहीं है। सही है, ठीक है। लेकिन आमिर साहब एक आखिरी सवाल, फिर ब्रेक की तरफ चलेंगे। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से डार साहब के हवाले से हमने बात की, मरियम साहबा के हवाले से हमने बात की, फिर फैसल वाडा साहब की बात आ रही है, लोग ये तासुर दे रहे हैं, खलका ये तासुर दे रहा है कि कोई डील हो गई है जिस पे खान साहब भी बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं पे कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, मुलाकात में कोई आपको ऐसा तासुर मिला खान साहब का कि कुछ वो रिलीफ में है, कुछ कूल माइंडेड है, कि शायद कुछ मामला तय हो गए हैं उनके, इसलिए वाडा साहब का मामला लेकर गए होंगे? ये आप ये बड़ा अच्छा की वर्ड इसके अंदर है तासुर, ज़्यादा ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी तो मैं वो तो नहीं कर सकता। तासुर तो मैं बहुत ज़्यादा वहाँ से लेके आया हूँ, गुड एंड बैड। पहले मैं ज़रा बैड भी एक दो बताऊँ, कल नहीं बता सका। एक बड़ा बुरा तासुर ये भी लेके सारे आए कि वो अभी भी बुज़दार साहब के बड़े आशिक हैं और उनकी बातों से ये लग रहा था कि कल को अगर उनको दोबारा हुकूमत में आ जाएँ तो उनकी पुरानी टीम से जान नहीं छूटती। वो बिल्कुल वही कह रहे थे कि आप लोग गलत हैं उस बेचारे पे, शरीफ आदमी पे, इतना अच्छा है, दिल का भी बड़ा अच्छा है, शक्ल का भी बड़ा अच्छा है, तो वो अगर चीफ मिनिस्टर रहता आप नहीं समझे, मगर वो बंदा बड़ा अच्छा था। तो उन्होंने दो चार मिनट इस पे बाकायदा ज़ोर दे के लगाया और सारे दाएं बाएं देखा, तो वो तासुर उनका डील का, ऑफकोर्स ये डील जब तक हो नहीं जाती पाकिस्तान में, क्योंकि एक तारीख डील्स की रही हुई है, रातों रात डील होती है पता ही नहीं चलता और अगले दिन लोग जहाज से बाहर चले जाते हैं। वैसे माजरत आमिर साहब, आपको मैं टोक रही हूँ, ब्रेक की तरफ जाना है, कोई कहीं चला जाता है, आपको टोक रही हूँ, तरफ जाना है। डील सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं होती आमिर साहब, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, डील एक पूरा पैकेज होता है। ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करेंगे। आमिर साहब, सैलाब से मुतासर इलाके और कार्रवाइयों के ऊपर से आमिर साहब मैं बात करूंगी, मगर इससे पहले मुझे ये बताइएगा कि वो डील से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन चल रहा था, आपका पॉइंट अधूरा है अभी भी, डील सबके लिए है या किसी एक खास को दी गई है? वो डील जो है ये जब तक हो नहीं जाती उस वक्त तक ये नहीं कहा जा रहा, मगर इस वक्त जो है बिल्कुल फ्लूइड सिचुएशन है, तीनों चारों पार्टियां जो हैं अपना अपना जोर लगा रही हैं कि कुछ किया जाए। दो पाकिस्तान की सियासत इस वक्त दो चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रही है, एक घूम रही है कि नवंबर का फैसला क्या होता है, एक्सटेंशन मिलती है कि नहीं मिलती है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के ये जो फैसले आ रहे हैं जिसका डायरेक्टली ताल्लुक है कि जो है नवाज शरीफ साहब छुटते हैं, उनकी कन्विक्शन जाती है कि नहीं जाती है, और उनकी नाअहलियत जाती है कि नहीं जाती। ये तीन फैसले हैं जिसके इर्द गिर्द जो है, अदालत पे तो जाहिर है हम भी जसारत नहीं कर रहे और लॉबिंग भी नहीं कोई कर सकता, मगर जो दूसरी डील है नवंबर वाली डील वो इससे भी ज़्यादा अहम है, तो उसके लिए लास्ट मिनट तक नहीं है। मगर मैं सैलाब पे आना चाहता हूँ, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि हम पाकिस्तान की हमारी नस्ल का सबसे बड़ा जो बहरान और ट्रेजिडी है वो ये सैलाब है हमारी नस्ल में। हमने 71 का सुनते हैं कि बांग्लादेश जो है टूटने की एक बहुत बड़ी वजह थी कि वहाँ साइक्लोन का एक तूफ़ान आया था, लाखों लोग मर गए थे और हमने उसकी मदद नहीं की थी। आज की भी सूरत हाल ये है कि अगर आपके पास अरीबा अलमास मक्सी साहब आएँ तो मुझे बता दीजिएगा, मगर मैं हम पाकिस्तान में एहसास नहीं कर रहे। आपने देखा होगा कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक महीने बाद, पहले तो बात यह है कि एक महीने बाद ख्याल आया इनको, और वो जो एक बनाया डैशबोर्ड सो कॉल्ड, उस पर उनको खुद शर्म आ गई कि यार ये इतना बुरा है कि महीने बाद और इस दौरान में लाखों मवेशी मर रहे हैं और मर चुके हैं और अभी हज़ारों हैं, कि यूनाइटेड नेशंस को शर्म आ गई है, उनको एहसास हो गया है, और उन्होंने बड़ी खौफनाक वार्निंग दी है कि वी आर नाउ एंटरिंग द सेकेंड वेव ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन।
कि ये सेकंड वेव अमवात की चल रही है, दोबारा आ गई हैं और हमारे यहाँ एक फटीक आ गया है अदालतों में। ये जिस तरह की गुफ्तगू हम भी करते रहे हैं और आप भी बड़े शर्मिंदा हैं कि लोग भूल गए हैं फ्लड्स को और फ्लड्स की कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा, लेकिन मैं इस वक्त तारुफ करा दूँ, अरिबा अलमास मक्सी साहिबा ये सोशल एक्टिविस्ट हैं फ्लड्स से मुतासरा जहाँ पर इलाके हैं बलूचिस्तान सिंध के, यहाँ पर ये बड़ा काम कर रही हैं। इनको भी हम प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। जी आमिर साहब, मैं एक्चुअली अगर आप इजाज़त दें तो अरिबा से ही सवाल कर लेता हूँ कि मैं अभी यूनाइटेड नेशंस की देख रहा था अरिबा साहबा, और इनका मज़ीद तारुफ ये करवा दूँ कि ये बहुत बड़े पैमाने में बलूचिस्तान में और सिंध में फ्लड विक्टिम्स के लिए काम कर रही हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी तो कि यूनाइटेड नेशंस को भी एहसास हो गया है कि ये सेकंड वेव चल रही है, आपको ग्राउंड पे नज़र आ रहा है कि लोगों को एहसास है, एस्टेब्लिशमेंट को एहसास है कि वहाँ पे अच्छा काम हो रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम आमिर मतीन साहब, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये हम सेकंड फेज में वाकई ही चले गए हैं एंड देयर आर बहुत ज़्यादा इस किस्म की बीमारियाँ ऑन ग्राउंड हैं और शॉर्टेजेस हैं जिनके साथ हम डील करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वाटर ड्रेनेज का बहुत इशू है, क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक को बहुत डैमेजेस हैं, बहुत ऐसे हैं एरियाज जहां पे अभी तक इमदाद पहुंचानी मुश्किल हो रही है। और ये बलूचिस्तान के इलाके बहुत वास्ट हैं, स्कैटर्ड पॉपुलेशन हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन की भी प्रॉब्लम्स हैं। इस वजह से ऑब्वियसली तकलीफात जो हैं वो काफ़ी हैं ऑन ग्राउंड एंड आई होप दैट द इंटरनेशनल कम्युनिटी रियलाइजेज दिस कि वो हमें इमदाद जो है इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टीज एंड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एड बोथ हमें प्रोवाइड करें ताकि वो ऑन अरिबा सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी तो कर रही है, डू यू सी द सेम काइंड ऑफ विगर एंड इंटरेस्ट इन द लोकल गवर्नमेंट? जी लोकल गवर्नमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में स्पेशली, बिकॉज देखिए ऑन ग्राउंड तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट्स ही होते हैं जो काम करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे एब्सेंटी वर्कर्स हैं। मैं बार बार ये बात रिपीट करती रही हूँ ऑन मीडिया एंड चैनल्स कि द गवर्नमेंट मस्ट लुक इन टू दिस कि जो एब्सेंटी वर्कर्स हैं उनको किस तरीके से आप लोग मोबिलाइज करें। वी आर नॉट वर्किंग एट आर एफिशिएंट, वी आर नॉट इवन वर्किंग एट 1% येट। नहीं, मैं इसलिए ये कह रहा था कि यूनाइटेड नेशंस ने तो फिर भी अपनी जो है को 116 मिलियन डॉलर से 800 कर दिया और वो बता रहे हैं गो के बाकी मुल्कों से हमें इमदाद नहीं आ रही, मगर एक तो इंसानी साने आया है। मैं चाहूँगा आप बहुत काम कर रही हैं, जो जानवरों मवेशियों की हम बात हो रही है उस पर रोशनी डालें प्लीज़। जी लाइफ स्टॉक के अंदर अभी हमने शुरू किया है वैक्सीनेट लाइफ स्टॉक और ये पहला फेज है जिसके अंदर लाइफ स्टॉक वैक्सीनेशन और मेडिकेशन पहुंचा रहे हैं जानवरों को और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के पास। चलिए चलिए, वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सो मच अरिबा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी। आमिर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। इमदाद पर पाकिस्तान नजर रखे हुए कि कहाँ से इमदाद आएगी, मगर अलमिया ये कि अभी तक हम कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना सके, कोई हिकमत अमली तरतीब नहीं दे सके। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।